बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में ही किसी की बहू बनी और उन्होंने इंडस्ट्री में ही किसी को अपनी बहू बनाया। सास बहू की बहुत सी जोड़ियां यहां फेमस रही हैं। हाल ही में नीतू कपूर आलिया भट्ट को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आई हैं, लेकिन इस नई नवेली दुल्हन को अपनी सासू माँ के साथ बहुत कम देखा गया है। लेकिन बॉलीवुड में एक और एक्ट्रेस हैं जो वैकेशंस हो या फैमिली आउटिंग हमेशा अपनी सास को साथ लेकर घूमती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी की, जो अपनी माँ सुनंदा शेट्टी को तो अपने साथ हर ओकेशन में रखती हैं, साथ ही में सासू माँ भी उनके साथ ही नजर आती हैं। शिल्पा शेट्टी अपनी सास की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हैं। हालांकि वैसे आपको सास बहू की जोड़ी की और भी बहुत सारी हिट जोड़ियां मिल जाएंगी, जैसे करीना कपूर खान, शर्मिला टैगोर, ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, काजोल और वीना देवगन आदि। शिल्पा की तरह जलनिया देशमुख भी अपनी सासू वैशाली देशमुख के काफी करीब हैं। दोनों एक दूसरे को काफी स्पॉट रहती हैं। वैशाली ने कभी जलनिया को अपनी बहू नहीं समझा। प्रियंका चोपड़ा की सास भले ही विदेशी हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहू को बहुत प्यार करती हैं और प्रियंका चोपड़ा भी। ऐश्वर्या राय बच्चन भी बहुत सारे फैमिली इवेंट्स में सासू माँ जया बच्चन के साथ दिख जाती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी जोड़ियां ऐसी भी हैं जिनकी अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनी, जैसे करिश्मा कपूर और उनकी एक्स सास के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। अमृता सिंह की अपनी सास शर्मिला टैगोर से रिश्ता ज्यादा मजबूत नहीं रहा। वहीं दीपिका पादुकोण को भी अपनी सास के साथ ज्यादा नहीं देखा गया। हमारी तरफ से तो शिल्पा शेट्टी बहू के रूप में अभी तक टॉप पर चल रही हैं और इन दिनों लोगों की चहेती भी है। आपकी फेवरेट सास बहू बॉलीवुड जोड़ी कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।